दोस्तों कार दुनिया से मैं विनी आपका स्वागत करता हूं। हुंडई की 2020 न्यू क्रेटा के सेकंड टॉप वेरिएंट एसएक्स के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और टॉप एंड वेरिएंट एसएक्स ओ के ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन में ऑटो हेल्दी एयर प्यूरिफायर आ रहा है। आज के मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस एयर प्यूरिफायर की वर्किंग को, साथ में इसकी यूनिट भी दिखाऊंगा और किस तरीके से आपको मेंटेन रखना है इसके बारे में भी आज हम करेंगे बात। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं क्रेटा के एयर प्यूरिफायर को। सो दोस्तों ये है हुंडई क्रेटा का स्मार्ट एयर प्यूरिफायर जो कि लगा हुआ है ये फ्रंट के सेंटर आर्म रेस्ट पे। ये देखिए इसका ये डिस्प्ले दिया हुआ है, इसके साथ आपको ये एक क्विक रेफरेंस गाइड भी मिलती है जिसको अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका ये डिस्प्ले दिखा दूँ। ये टच पैनल डिस्प्ले दिया हुआ है जिसमें देखिए यहाँ पे पावर बटन है, जैसे मैं इसको टच करूँगा ये एयर प्यूरिफायर ऑन हो गया। इसमें देखिए कई सारे बटन्स दे रखे हैं, ये जो फ्लिकरिंग आप देख रहे हैं ये ड्यू टू कैमरा इफेक्ट हो रही है। तो पहले तो मैं आपको इनके बटन्स बताता हूं। तो सबसे पहला बटन तो ये देखिए पावर ऑन ऑफ है, टच पैनल है, बस जस्ट टच करिए ऑन ऑफ हो जाएगा। उसी बगल में देखिए यहां पे मोड लिखा हुआ है, इसमें तीन मोड आते हैं, इनको अलग अलग स्पीड पे आप चला सकते हैं। इसमें पहला मोड है ये देखिए नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल स्पीड पे चलेगा। टर्बो की बात करेंगे, इसमें सेकंड मोड आ गया टर्बो, ये टर्बो यानी इसमें तेज हो जाएगा एयर प्यूरिफायर। और तीसरा मोड दिया हुआ है यहाँ पे देखिए ऑटो, यानी ये अंदर केबिन की एयर क्वालिटी के हिसाब से ये एयर प्यूरिफायर की स्पीड को अपने हिसाब से सेट करेगा। उसके बाद उसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लॉक दिया हुआ है, ये पैरेंटल लॉक है, यानी अगर आपने इसको टच करके रखा है तो ये लॉक हो जाएगा। यानी अब देखिए इसका टच पैनल वर्क नहीं कर रहा है, तो अगर आप इसके स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से लॉक कर दीजिए। और अनलॉक करने का भी सेम प्रोसीजर है, इस बटन को थोड़ी देर के लिए दबाए रखिए, ये देखिए अनलॉक हो गया। उसके बगल में यहाँ पे ये फिल्टर लिखा हुआ है, ये अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ क्या है। इसके ऊपर की तरफ देखिए तो यहाँ पे कुछ ये नंबर्स लिखकर आ रहे हैं, उसके बगल में डस्ट लिखा हुआ है और ये ग्रीन कलर की लाइट है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को बता रहा है, यानी इस समय जो केबिन पे एयर क्वालिटी है उसके ये नंबर्स हैं। इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी मैनुअल। ये इसकी क्विक रेफरेंस गाइड है जिसको ओपन करते हैं और यहाँ पे चेक कराता हूँ। तो ये देखिए इसमें आपको एक सब यूनिट्स के बारे में बताया गया है, ये मैं आपको फिजिकली अभी बता दूंगा क्या क्या है इसमें, जो मैं अभी आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहा था सबसे पहले तो मैं आपको वो चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए ये है इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर, जिसमें देखिए तीन रंग दिए हुए हैं, गुड मतलब ग्रीन पे दे रखा है, मॉडरेट जो है वो दिया हुआ है ये येलो पे, और पुअर रेड पे दे रखा है। इसके अगर बैक साइड पे चेक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये सेम इंडिकेटर्स बने हुए हैं, जैसा कि ये देखिए इसके यहाँ पे डिस्प्ले पे आ रहा है, इस समय ग्रीन है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे, अगर ये इंडेक्स 0 से 100 के बीच में है तो ये गुड क्वालिटी की एयर है और उस समय लाइट जो है ग्रीन कलर की जलेगी। अगर ये एयर की क्वालिटी जो है 101 से 300 के बीच में होगी तो ये येलो रंग की हो जाएगी, और पुअर क्वालिटी यानी 301 के ऊपर जब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जाएगा तो ये रेड कलर की जलेगी। तो ये इंडिकेट करेगा ये वाली लाइट कि इस समय केबिन की एयर कैसी है। जैसे कि अभी देखिए 16 लिख रहा आ रहा है, ये 16 का मतलब हो गया 0 से 100 के बीच में AQI है, तो ये एयर क्वालिटी गुड है, तो इस वजह से यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइट जल रही है। तो ये हो गया इसके सारे बटन्स की बात। अब आपको दिखाता हूँ ये वर्किंग कैसे करता है। तो ये यूनिट जो है इसके आर्म रेस्ट पे लगी हुई है, और पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ ये एयर कहाँ से सक कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये इस जगह पे छोटे छोटे से देखिए ये पे छेद दिए हुए, ये इस तरह जगह से एयर को सक करेगा ये दोनों साइड पे। ये देखिए ये एक मिनट के दिखाता हूँ, ये यहाँ से देखिए सक करेगा, तो यहाँ से ये एयर को अंदर की तरफ लेगा, और इसका जो आउटलेट दिया हुआ है एक यहाँ पे देखिए फ्रंट में दे रखा है और दूसरा जो है ये यहाँ पे बैक साइड पे दिया है। अभी मैं जैसे यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ तो मुझे महसूस भी हो रही है कि यहाँ पे एयर आ रही है, सेम एयर यहाँ पे आगे की तरफ भी आ रही है। तो इस तरीके से ये एयर को यहाँ से साइड से सक करेगा और ये पीछे की तरफ से यहाँ से और आगे से आउटलेट है, तो यहाँ से एयर साफ होके बाहर आएगी। इस तरीके से एयर को सक करके क्लीन करके इधर से निकालेगा। अब आपको दिखाता हूँ इसकी यूनिट कहाँ पे लगी हुई है और उसको कैसे मेंटेन रखना है, उसके लिए मैं गाड़ी के आगे बैठता हूँ। चलिए इसकी एयर प्यूरिफायर यूनिट को चेक करने के लिए आर्मरेस्ट उठाते हैं, और यहाँ पे देखिए इसके अंदर
सारी चीज़ें लगी हुई हैं। मैं ओपन करके दिखाता हूँ इसमें क्या क्या अंदर की तरफ दिया हुआ है। तो इसके इस पैनल को ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए ये दो लॉक्स से रखे हैं, इन लॉक्स को ऐसे नीचे करिए और नीचे करने के बाद यहाँ पे अंदर की तरफ देखिए इसमें एक फिल्टर लगा हुआ है। इसके लिए मैं एक मिनट के लिए पहले तो इसको ऑफ कर देता हूँ इसके प्योरीफायर को और इसको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये इसमें एक हैपा फिल्टर दिया हुआ है जो कि क्लीनिंग मांगता है, यानी अगर ये गंदा हो जाता है तो इसे आपको क्लीन करना है और अगर ये ख़राब हो जाए तो इसे आपको चेंज करवाना पड़ेगा। इसकी जो एवरेज लाइफ बताई गई है वो 2 ईयर्स बताई गई है अगर इसको आप टाइमली क्लीन करते हैं और इसको मेंटेन रखते हैं। और तो ये हो गया इसका मेन फिल्टर। इसके अलावा अगर आप अंदर की तरफ देखिए तो ये यहाँ पे ये फ़ैन लगा हुआ है, यही फ़ैन रन करता है और एयर को सक करता है। इसके बाद एक और चीज़ है इसमें, इसमें डिफ्यूज़र भी दे रखा है। ये देखिए इस तरीके से आप इसके डिफ्यूज़र को यहाँ पे ये निकाल सकते हैं। ये इस तरीके का डिफ्यूज़र दिया हुआ है। ये परफ्यूम है यानी एयर प्यूरीफायर पे स्मेल के लिए, यानी अच्छी स्मेल के लिए इसमें ये लगाया गया है, जिसमें यहाँ पे देखिए एक स्टिकर्स भी हैं। आप जितनी भी स्मेल इसमें बढ़ाना चाहते हैं उसके यहाँ से ये स्टिकर आप हटा सकते हैं। मैं एक स्टिकर हटा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप इसके डिफ्यूज़र को स्टिकर को हटा दीजिए और उसी से स्मेल यहाँ पे फ्रेगनेंस आने लगेगी। आपको जितनी ज़्यादा फ्रेगनेंस चाहिए उतने आप स्टिकर्स यहाँ से निकालते रहिए। और इसको वापस इसमें प्लेस कर देता हूँ इस तरीके से, बस आप रखिए और प्रेस कर दीजिए, ये इसमें फिट हो गया। और इस डिफ्यूज़र की जो लाइफ बताई जाती है वो 2 to 3 months है, यानी उसके बाद आपको इसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। फिल्टर को मैं वापस अपनी जगह पे सेट कर देता हूँ। फिल्टर को वापस लगाते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है और इधर की तरफ ये एक क्लिप दे रखी है। ये जब ये पॉइंट और ये क्लिप एक तरफ होनी चाहिए, ये सेंस करती है कि इस समय इसके इससे फिल्टर को निकाला गया है। अगर फिल्टर निकला होगा तो एयर प्यूरीफायर यूनिट ऑन नहीं होगी। तो ये चीज़ आप ध्यान से देख के इसको वापस लगाइए और बस ये ईजिली यहाँ पर ये फिट हो गया। और जब ये फिल्टर गंदा हो जाएगा तो इसका इंडिकेशन आपको यहाँ पे ये जो फिल्टर वाली लाइट है ये ग्लो करने लगेगी। तो ये जब ग्लो करेगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि फिल्टर गंदा हो गया है और इसे यहाँ पे क्लीन निकाल के क्लीन कर लीजिए या फिर आप चेंज होने का समय आ गया है। तो ये हो गए इसके अंदर के फिल्टर्स की बात। मैं इसको वापस फ्लैप को लगा देता हूँ और बंद करता हूँ। तो ये सारे ऑपरेशंस हो गए जब आप इसके इस एलसीडी स्क्रीन से ऑपरेट करते हैं। अब चलिए चलते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम की तरफ, क्योंकि इसमें कुछ चीजें इसके म्यूजिक सिस्टम से भी आप देख सकते हैं। पहली चीज तो यहाँ पे भी देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स ये यहाँ पे भी शो कर रहा है, यानी अगर कोई आगे की तरफ ड्राइविंग साइड पे बैठा हुआ है तो वो स्क्रीन पे ना देख कर यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम पे भी अंदर की एयर क्वालिटी को चेक कर सकता है कि वो इस समय कितनी है। अब एक और चीज है, जैसे मैं देखिए इसको स्लाइड करूंगा तो यहाँ पे देखिए लिख कर आ रहा है ऑटो हेल्दी एयर। इसको मैं टच करता हूँ तो ये देखिए एयर प्यूरीफायर के कई सारे फीचर्स यानी फंक्शंस यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, यानी अगर कोई ड्राइवर है तो वो पैनल की बजाय यहीं से इसको ऑपरेट कर सकता है। मोड देखिए यहाँ पे चेंज कर सकता है, टर्बो, ऑटो, नॉर्मल, यहाँ से मोड चेंज हो जाएगा। इसका जो स्क्रीन लॉक है यानी जो यहाँ पे मैं स्क्रीन को लॉक कर रहा था चाइल्ड लॉक, वो लॉक आप यहाँ आगे म्यूजिक सिस्टम से भी ये इस जगह से आप लॉक अनलॉक स्क्रीन को कर सकते हैं। उसी के बगल में ये रियर स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने जैसे ऑफ किया है तो ये देखिए ये स्क्रीन पूरा बंद हो गया डिस्प्ले। मैं एक मिनट के लिए वापस यहीं से ऑन करता हूँ और ये देखिए ये डिस्प्ले वापस आ गया। तो यहाँ से आप इसके स्क्रीन के डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बगल में ये फिल्टर लगा हुआ है, ये जस्ट एक तरीके से कह लीजिए रिमाइंडर है या आप इसमें एक तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा है ऑटो हेल्दी एयर फिल्टर क्लीनिंग इज ड्यू इन 500 आवर्स। तो जैसे जैसे घंटे बीतते जाएंगे और ये आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फिल्टर कितने घंटे यूज हो चुका है और इसको क्लीनिंग का टाइम आ गया। और जब आप इसको क्लीन कर लीजिए उसके बाद वापस इसको रीसेट कर दीजिए तो ये रीसेट हो जाएगा और वापस 500 आवर्स यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो ये फिल्टर क्लीनिंग रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, प्लस यहाँ पे भी देखिए AQI इंडेक्स दिखा रहा है। उसके बगल में जो भी डस्ट लेवल है ग्रीन येलो एंड रेड लाइट वो यहाँ पे दिखा देगा। उसके बगल में जो परफ्यूम मैंने डिफ्यूज़र दिखाया था वो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इस समय ये ऑन है। और ये ऊपर की तरफ
इसमें ऑन ऑफ बटन है, आप यहीं से इसके एयर प्यूरीफायर को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कई सारे फीचर्स एयर प्यूरीफायर के यहाँ से ऑपरेट कर पाएंगे। और साथ में देखिए, इसमें पिक्चर भी दिखा रहा है कि साइड के पैनल से एयर अंदर जा रही है और आगे और पीछे से फ्रेश एयर बाहर आ रही है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इसके एयर प्यूरीफायर पे दिखाया था। तो इस तरीके से आप इसके यानी हुंडई क्रेटा के एयर प्यूरीफायर को ऑपरेट कर सकते हैं और इसको मेंटेन यानी क्लीन कर सकते हैं। इसमें आपको 3 इयर्स 1 लाख किलोमीटर की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है। विद इन वारंटी पीरियड अगर इसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आती है तो आप इसमें यहाँ पे कंपनी में क्लेम करके उसको रिप्लेस करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल कार दुनिया को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने और भी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। Thank you.